टू माई चैनल टेक जिनी। डियर फ्रेंड्स, MWC 2019 का इवेंट चालू है जहाँ पे सैमसंग ने तहलका मचा दिया है। डेफिनेटली उसका फोल्डेबल स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। S10 सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, तो ये सब डिटेल्स को लेके तो हम डेफिनेटली मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी। बट फिलहाल फ्रेंड्स, इन सब के बीच में जियोनी ने अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड यस, एक लो बजट स्मार्टफोन है जिसका प्राइसिंग इन अंडर 7000 रखा गया है। एंड इस स्मार्टफोन का नाम क्या है? तो ये स्मार्टफोन का नाम है जियोनी F205 Pro। एज द नेम सजेस्ट फ्रेंड्स, ये जो स्मार्टफोन ऑफकोर्स जियोनी F205 का सक्सेसर स्मार्टफोन है। ये उसका प्रीसीडर स्मार्टफोन लास्ट ईयर अप्रैल में ही लॉन्च हो चुका था। एज ए सेट के स्मार्टफोन 7000 के अंदर है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में इम्प्रेसिव बैटरी लाइफ भी दी गई है एंड साथ में एक ट्रेडिशनल स्मार्टफोन ही है। तो लेट्स सी, लेट्स डिस्कस इन डिटेल के और भी क्या फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस है ये स्मार्टफोन के। बट फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जियोनी F205 Pro के बारे में। ये स्मार्टफोन एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है जहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे बेजल्स क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हो। हालांकि ये स्मार्टफोन के जो एजेस है वो राउंडेड दिए गए ताकि थोड़ा बहुत स्टाइलिश दिखे। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में एकदम ट्रेडिशनल 5.45 इंचेस का स्क्रीन ही दिया है, LCD डिस्प्ले ही दिया गया है। इसके अलावा इसमें 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है एंड साथ में स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 pixels × 1440 pixels का। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास भी मिलता है ताकि और भी अच्छा सा लुक मिले स्मार्टफोन को एंड थोड़ा ग्रिप भी मिले। अब बात करते हैं प्रोसेसर को लेके। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है विद मीडियाटेक MT6739 का चिपसेट। देखा जाए तो उसके जो प्रीसीडर स्मार्टफोन है और अभी ये लॉन्च हुआ स्मार्टफोन, उसमें इतना भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर को लेके भी। तो आई डेफिनेटली एक अच्छी पॉइंट नहीं है। तो अगर आपको स्मार्टफोन का प्रो वर्जन लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रोसेसर पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो करना ही चाहिए था। इसके अलावा अगर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में भी बात करें तो एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस प्रीवियस स्मार्टफोन जो कि है 2GB रैम के साथ 16GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड यस, आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डालने की फैसिलिटी भी दी गई है जहाँ पे आप मेमोरी को 256GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। एंड बात आती है OS के बारे में, तो यस, ये स्मार्टफोन विल रन ऑन एंड्रॉइड ओरियो 8.1। अब बात करते हैं इसके कैमरा को लेके। तो अगेन, देयर इज नथिंग फैंसी इन इट्स कैमरा। रेयर पैनल में सिंगल कैमरा दिया गया है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो कि है 13 MP का। उसका अपर्चर है F2.0। उसके अलावा बाजू में इसमें LED फ्लैश भी दी गई है। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यस, जियोनी F205 Pro का सेल्फी कैमरा भी 8 MP का है। उसका अपर्चर है F2.2। सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी कंपनी क्लेम करती है कि यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड दिया जाएगा। इसके अलावा ऑफकोर्स इसमें ब्यूटिफिकेशन फीचर्स तो रहेंगे, नाइट मोड भी रहेगा, साथ में HDR मोड भी दिया गया है, सीन डिटेक्शन फंक्शंस भी दिए गए हैं। ऐसे थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स रहेंगे ये स्मार्टफोन में। एंड इसके अलावा कंपनी ने कहा भी है कि स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में फेशियल रिकॉग्निशन फीचर दिया गया है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये स्मार्टफोन के बैटरी को लेके। तो सिंस आई सेड के स्मार्टफोन में एक इंप्रेसिव बैटरी दी गई है, प्राइस को देख के ही बोल रही हूँ, अदरवाइज नॉट सो गुड, जो कि है 3000 mAh की। ये स्मार्टफोन में ऑफकोर्स डुअल सिम सपोर्ट भी रहेगा एंड फिलहाल मल्टीपल कलर वेरियंट्स में भी अवेलेबल रहेगा। एंड कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली स्मार्टफोन में 4G वॉइस ओवर LTE दिया गया है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, AGPS, 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है एंड साथ में ये स्मार्टफोन में माइक्रो USB पोर्ट ही रहेगा। एंड अब बात करते हैं सेंसर्स को लेके। तो ये स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसे बेसिक सेंसर्स है, बट इसके रेयर पैनल में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जियोनी F205 Pro के बारे में। प्राइसिंग को लेके बात करें तो ये स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया में 6990 पे सेट किया गया है, विच इज ऑलमोस्ट 7000, बट करेंटली आपको फ्लिपकार्ट पे 1100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये स्मार्टफोन अभी आपको 5890 के प्राइस में मिलेगा। तो ये और उसके साथ साथ ऑफकोर्स अगर आपने कोई भी कार्ड से स्मार्टफोन खरीदा तो आपके और भी 5-10% का डिस्काउंट अवेलेबल है एंड ये स्मार्टफोन ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब देखें कि ये स्मार्टफोन 5000 में खरीदना चाहिए कि नहीं। हालांकि नॉट इवन 5000, 6000, एंड जब तक फ्लिपकार्ट का सेल रहेगा तब तक इसमें सेल रहेगा, अदरवाइज स्मार्टफोन 7000 का स्मार्टफोन है। तो ऑन एन एवरेज ठीक स्मार्टफोन है, कैमरा भी ओके है, बट यस, प्रोसेसर वाइज आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी। स्क्रीन भी अभी छोटा है आजकल 7000 के फोन में, ऑफकोर्स आपको बड़े स्क्रीन मिल ही रहे, तो आई डोंट नो व्हाई जियोनी स्टिल प्रेफर्ड टू कीप बेजल्स इन द स्मार्टफोन। एटलीस्ट एक नॉर्मल नॉच तो ला देते ताकि स्क्रीन साइज भी बड़ा हो जाता। तो ऑन एंड होल देर इज नथिंग इम्प्रेसिव इन द स्मार्टफोन एंड इतना तो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया है। एंड अगर मुझे पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली मैं आपको खरीदने के लिए
सजेस्ट भी नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी बात ओवरऑल जियोनी F205 Pro के बारे में। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।